नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए बेल आइकॉन ताकि आपको मिल सके हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, पल्सर NS160 अपने सेगमेंट में एक बहुत ही पॉपुलर बाइक है एंड ये जो कलर है दोस्तों, ये इसका सबसे पॉपुलर कलर है, फॉसिल ग्रे। और काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहा था इस बाइक का रिव्यू करने के लिए। वैसे बाइक का जो ट्विन डिस्क मॉडल है उसका तो मैं रिव्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये जो मॉडल है इसका कलर दिखाते दिखाते मैं आपको इसका जो कुछ खूबियाँ और जो कुछ खामियाँ हैं, यानी कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, इन दोनों के बारे में मैं बात करूँगा। और दोस्तों, अगर ABS की बात करें तो ABS बहुत ही जल्द इसमें आने वाला है एंड फरवरी में, मैं ये वीडियो जनवरी में बना रहा हूँ, तो फरवरी में हर एक जो मॉडल है पल्सर का उसमें सिंगल चैनल ABS और किसी किसी में डुअल चैनल ABS भी आ सकता है। तो लगभग ABS हर एक बाइक में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जब इसका स्टैंडर्ड वेरियंट निकला था तब इसमें जो कुछ था उससे लगभग 3 चेंजेस इसमें है। अभी इसमें पीछे भी एक डिस्क ऐड कर दिया गया है एंड सामने का जो टायर है उसका प्रोफाइल 10mm बढ़ा दिया गया है। पहले 80mm था, अभी 90x90 का टायर आ रहा है एंड पीछे 110/80 के जगह 120x80 का टायर आ रहा है, यानी कि 10mm ज़्यादा चौड़ा ही हो गया है एंड इससे रोड का जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा इसमें बना रहता है। अब अगर दोस्तों इसका हम प्रोस यानी कि गुड साइड्स की बात करें तो सबसे पहले इसका जो लुक्स है वो बहुत ही अच्छा है। चाहे आप इसका टायर हगर ले लीजिए, इसका टैंक ले लीजिए, इसका कंप्लीट जो बॉडी वर्क है उसको ले लीजिए, तो लुक्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्कुलर एक लुक दे देता है जैसे कि पल्सर के हर एक बाइक में ये आता है। एंड अगर दूसरे हम गुड साइड की बात करें तो इसमें अभी जो पावर फिगर्स है वो अपने सेगमेंट में जब निकला था तब हाईएस्ट था, अभी जस्ट अपाची 164V से थोड़ा सा कम है, मतलब आपको बहुत ही अच्छी तरह से पावर फिगर्स मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसका जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो सस्पेंशन क्वालिटी आपको एक बहुत ही स्टेबल राइड देने में कामयाब रहेगा एंड ये आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड जो कॉर्नरिंग है वो भी अच्छी तरह से ये दे देगा। सस्पेंशन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, गैस चार्ज सस्पेंशन का यूज़ होता है एंड उसके साथ इसका जो पावरफुल इंजन है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है, जो रेसिंग जो स्टांस है, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो दे देता है। दूसरे बात जो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है इसका फीचर्स। वो इसका चाहे आप पेरीमीटर फ्रेम ले लीजिए, इसका ऑयल कूलिंग ले लीजिए, पीछे का नाइट्रॉक्स जो गैस सस्पेंशन है वो ले लीजिए, इसका जो लाइट्स है पीछे LEDs एंड सामने जो 55x60W का DC हैलोजन हेडलैम्प को ले लीजिए, तो बहुत ही एक अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ ये बाइक आता है। इस तरह के फीचर्स इस सेगमेंट में निकलना मुश्किल है और मेरे ख्याल से शायद और किसी भी बाइक में आपको इस तरह के फीचर्स नहीं मिलेंगे इस प्राइस पॉइंट में। अब दोस्तों, अगर इसका कमियों की बात करें तो कमियों जो मुझे लगा कि ब्रेक्स अभी तक उतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि ब्रेक्स का जो इनिशियल बाइट है वो कम है एंड सामने का जो ब्रेक है दोस्तों उससे जो इनिशियल बाइट है वो काफ़ी कम आता है एंड ये अपने सेगमेंट में सबसे छोटे हैं, सबसे कम डायमीटर का। तो मेरे ख्याल से बजाज को इस ब्रेक्स पे ध्यान देना चाहिए एंड ब्रेक्स का जो साइज़ है वो बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जो हम अगर डाउनसाइड की बात करें तो पेंट क्वालिटी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा और ये आसानी से मेरे ख्याल से रस्ट हो सकता है, इसका जो फेडिंग है वो आ सकता है, तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो दोस्तों, यही था इसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।